comes to Brothers Dhaba. मैं विभव विज और मैं Brothers Dhaba. Thank you मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया. Thanks to you, आप आए हैं हमारे ढाबे पे. तो मैम आपकी ढाबा की ना, इसको ढाबा नहीं कह सकते, ये अपने आप में एक लेगेसी है. थैंक यू सो मच. जैसे हम लेगेसी है एंड वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम यहाँ पे हैं. अभी मेरे को जितना पता है, मेरे को ये पता आपका ढाबा ओवर 100 ईयर से भी ज़्यादा पुराना है. तो कुछ बताइए अपने ढाबा के बारे में, कितना पुराना है, कैसे शुरू हुआ. हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमारा ढाबा शुरू किया था. इसके बाद से सारे जनरेशन इसी काम में है और एक ऐसी लेगेसी जैसे बड़े बना के देते हैं उसको कंटिन्यू करना और कोशिश करना उसको एक मुकाम तक पहुंचाने की और उसको बरकरार रखने की, वही एक कोशिश में हम सारे लगे हुए हैं यहाँ पे. बहुत ही बढ़िया मैम. ढाबा का नाम तो है अपने और नाम बनता स्वाद से. हाँ. और स्वाद बनता है रसोई में. तो एक बार अपने ढाबा की किचन दिखाओ आप मैम. यू आर मोस्ट वेलकम. मैं आपको अपने ढाबे की जो मेन लेगेसी कहाँ से शुरू हो रही है वहीं से लेके जाऊँ. ठीक है श्योर. अभी हम आ गए हैं ब्रदर ढाबा की वर्ल्ड फेमस किचन के अंदर. हाँ, वर्ल्ड फेमस किचन है और मैं आपकी किचन का एक आपको टूर कराती हूँ. ये हमारे थालियाँ लग रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं अमृतसरी कुलचा. वाह, ये हमारे ढाबे की जो है सबसे फेमस डिश है. ये हमारा स्पेशल मिंट लच्छा परांठा थाली है. और यहाँ पे पूरी छोले. हाँ, ये पूरी और ये आपको पिट्ठी वाली पूरी मिलेगी ब्रेकफास्ट में. पिट्ठी वाली पूरी. हाँ, इसकी तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. सरसों का साग, मक्की की रोटी. ये हमारा ढाबे का तंदूर है. तंदूर आपको पता है किसी भी ढाबे की जो है आन और शान होता है, तो ये वही एरिया है हमारा. सामने लच्छे पराठे पड़े, आप चेक करो. ये आप देखिए हमारा स्पेशल चिली गार्लिक पराठा है जो हमारा बहुत ही फेमस है. ये अभी बिना घी के है और ये हमारा मिंट पराठा है. ये देखिए, और एक कमाल है यार. अभी इस पे घी लगेगा जी. ये अमृतसरी कुलचा लग रहा है. ये पीछे क्या, मैं अपने देग लग रही है. ये हमारी देग है जिसमें हमारी दाल मखनी बनती है. वाह यार, दाल तो हमारी शान है इधर की. और ये देखो, ये कॉपर की देग में बनती है. 8 से 10 घंटे लगते हैं और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये भाई, लुक चेक करो आप दाल की, बहुत ही ज्यादा कमाल और काफी बड़ी देग है. ये दाल में सिर्फ हमने इस समय घी, दाल और जो हमारे मसाले वो 8-10 घंटे में जो रिड़कते रहते हैं उससे इसकी जो कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है. ये हमारी दाल का तड़का है. ये जो देख के बाद जब दाल तैयार होएगी उस पर तड़का लगेगा. यू बी केयरफुल क्योंकि ये ऊपर को भी आता है. अरे फायर वाला तड़का है ये. ये तो ऐसा लगा जैसे कढ़ाई के अंदर बम गिरा दिया शेफ साहब ने. और इसमें सिर्फ देगी मिर्च और प्याज और देसी घी का तड़का रहता है और आपको उस प्यार का भी तड़का रहता है. बिल्कुल. तो और वो तड़का तो मैम 100 सालों से लग रहा है ना, प्यार का 100 सालों से लग रहा है. मैम जैसे आप बता रहे हो अपने ढाबे के बारे में, इससे पता लगता है आप भी खाने के बहुत शौकीन हो. खाने का तो देखो, खाना बनाना और उसको समझना, समझना बहुत ज़रूरी है. कैसे तड़के, कैसा उस पर मसाले होने चाहिए, उसी से ही हम इसको आगे बढ़ा पाते हैं. ये हमारी स्पेशल पंजाबी कढ़ी है. ये हमारी मलाई कोफ्ता की ग्रेवी. ये आपको, ये क्या मैम, कितना रोग है इसके ऊपर. शक्ल से ही दिख रहा है तो इसका नाम भी शाही पनीर ही है. जी जी जी. तो ये हमारी स्पेशल थाली की और परांठा थाली, बटर नान थाली, उसकी हमारी जान है ये. ये हमारा दाल, येलो दाल तड़का रहता है. ये हमारे किड्स स्पेशल है. और राजमा चावल, कढ़ी चावल, ये हमारा किड्स मेन्यू रहता है. ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से मैम अपने पास 25 से ऊपर सब्जियाँ हैं हमारे पास. हाँ, अभी हमारे पास जो बेन मैरी में है वो हमारे पास 15 से 20 सब्जियाँ रहती हैं. उसके बाद हमारे मेन्यू में जैसे जाल फ्रेजी हो गई, गोभी आलू हो गए, मटर आलू हो गए, मशरूम मटर हो गए, वो सब हमारे मेन्यू में रहते हैं. बहुत ही बढ़िया. ये हमारा बटर पनीर मसाला है. ये बटर पनीर मसाला, बटर मशरूम मसाला, ये उसकी ग्रेवी है. तो जैसे ऑर्डर आता है तो उसकी लगती है. और ये हमारा स्पेशल चना मसाला है जो अमृतसरी कुलचे में भी जाता है, पूरी चने में जाता है और हमारे स्पेशल थाली में जाता ही जाता है. यार जब से मैं आया हूँ ना, ये सामने काउंटर है और ये एक भी सेकंड के लिए मेरे को खाली नजर नहीं आया. थालियाँ पे थालियाँ जा रही हैं, तंदूर से रोटियाँ आ रही हैं, सामने थाली लग रही है, फुल बिजी माहौल है. मतलब ऐसा बिजी किचन यार और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना कि यहाँ का बिजी किचन है. सामने तंदूर ही है, चेक करो, लगातार ना गिनती नहीं है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ना. यहाँ पे चपातियाँ, लच्छे पराठे, बटरना निकलते ही जा रहे हैं. इस टाइम आप वर्क फ्लो देखो, किचन का बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है. लंच टाइम हो चुका है और ये ढाबा यार सुबह 8 बजे से लेकर ना 12 बजे तक ऐसे ही किचन चलती जाती है. और इतना बिजी है कि ओनर भी साथ में लगे हुए हैं, लगातार तड़के पे तड़के चल रहे हैं. उधर डोसा और साउथ इंडियन कॉर्नर है. पर यहाँ पे लगने जा रही है जी ब्रदर ढाबा की बहुत ही ज़्यादा फेमस दाल. शेफ साहब यहाँ पे ना पूरे एक्शन में ही रहते हैं हर टाइम. सर क्या क्या डाल रहे हो बता देना. अरे भाई, तो यार एक सेकेंड से मैं बच गया.
अगर एक सेकंड पहले आगे जाता तो आग सीधा मेरे ऊपर थी। अब ये आगे जी लाल मिर्च, देसी घी और ढेर सारी आग, और ये हो गया जी दाल तड़का तैयार हुआ। देर वेट करने के बाद ना फाइनली वो टाइम आ गया, मैम लगा रहे हमारी थाली। अब ये आ गया जी थाली के अंदर पहले सैलेड और साथ में आ गया रायता है। ये हमारी स्पेशल थाली में जो सबसे पहले हमारे जाती है वो है हमारी दाल मखनी। इसको दाल मखनी ढाबा का दिल कह सकते हैं। हाँ, और ये आ गया ढेर सारा देसी घी। ये आ गया जी चना मसाला। इसके बाद हमारी थाली में जाएगा ये जो थाली की जो बिल्कुल आप समझ लो कि शान है वो है इसका शाही पनीर, और इसके साथ हमारे दो लच्छे परांठे। दो लच्छा परांठा। और ये चेक करो भाई साहब, मतलब लिटरली ना मैम, एक बार पराठा उठा के दिखाना। अब ये चेक करना, अभी मैम पराठा उठाएंगे आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये है जी घी, इसके अंदर देख रहे हो ना आप। तो अभी हम करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कैसा इसका स्वाद है। यार ये आ गए ब्रदर ढाबा की वर्ल्ड फेमस थाली, मतलब जो लोग आते हैं ना टूरिस्ट या माथा टेकने दरबार साहब, उनके लिए फेवरेट चीज़ है, क्योंकि थोड़े से पैसों में ना काफ़ी फूड मिल जाता है। 280 रुपये की थाली है और घी में नहलाए परांठे हैं साथ में। और सर, और सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया सर। तो भाई दो पंजाबी आपको हमेशा ना इकट्ठे मिलेंगे अगर खाना बहुत बढ़िया हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और मैं बताता हूँ कि एक चीज परांठा भाई ने अपनी सेहत के हिसाब से एक लिया है। वैसे मेरे थाली में दो आते हैं शायद ना, दो आते थाली। हाँ तो मैं बता रहा, तो कई लोग सोच रहे 280 रुपये में एक ही पराठा दे रहा है। दो पराठे हैं, कटोरी कटोरी सब्जियां और देसी घी भाई, मतलब ये मतलब खुले डाल देते हैं। ये एक्चुअली ये समझते हैं कि ना ये प्यार है। हाँ, अमृतसर का ये प्यार है। ये प्यार कम लोगे तो ऐसे रहोगे, ज्यादा लोगे तो फिर ऐसे लोगे, फैलते लोगे। चलो भाई लेते हैं अब हम, लाओ। ये रही जी एकदम बढ़िया घी से है ना लाया हुआ पराठा, ढाबे का दिल उससे शुरू करेंगे। देखो आपने क्या एक चीज नोटिस करी, छोले भी बड़े हैं, पनीर भी बड़ा है, दाल भी बड़ी है, लेकिन जो दिल है ना सबसे पहले दाल भी जाता है। बिल्कुल, है ना। ये जो गाढ़ी दाल है ना, इसमें पानी नहीं मिक्स किया हुआ, इसके अंदर अगर पानी मिक्स किया भी हुआ ना तो उसको अच्छे से घोटा है ताकि पानी अलग नहीं दिख रहा। हमने कई जगह खाई हुई है दालें वगैरह, पानी की तरह दाल होती है। ये देखो जी छोले, खाना ना वैसा है, अगर आए हो दोपहर को तो रात तक भूख नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, रात को खाओगे नहीं। ये कहते हैं ना कि वो ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा करो तो वो ब्रंच हो जाता है, तो ये भाई का ब्रंच है फिलहाल। के साथ लो चेयर्स करें। मैं दाल लूँगा, मुझे दाल ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इस थाली का जो शो स्टॉपर बोलूँगा ना वो ये दाल है। चेयर्स भाजी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। जाओ अब।